देयर स्पॉट ओवर देयर एंड सेवन सीज के लिए ये लोग गेट कीप कर सकते हैं बिकॉज अभी वो लोग जोन में नहीं है। बट यहाँ पे फिनाटिक्स का आउट होगा, अभी नॉकडाउन करा मिस्टर स्प्रे ने, ही इज बैक अगेन इन दिस मैच। एंड मिस्टर स्प्रे जिस वे में इस प्लेयर ने कल एंड करा था आज वापस से एंड करेंगे। बट यहाँ पे ओएस का एक बहुत प्यारा ग्रेनेड जा रहा है, कुक्ड है वहाँ पे, मिस्टर स्प्रे नॉकडाउन हो सकते हैं, डैमेज पड़ेगा। बट यस यहाँ पे ही गॉट नॉकडाउन ओवर देयर, पीछे से एक और यहाँ पे नॉकडाउन देख रहे हैं मेरा गोल्ड ब्लेड के साइड से, तीन डमिलास के मैंटी ओपी वहाँ पे नॉकडाउन हुए। एंड फिनाटिक ओवेज गॉट नॉकडाउन ओवर देयर, कैरी ओपी ने कवर फायर दिया बहुत प्यारा, बट वहाँ पे की ओपी ने किल कन्फर्म करा वहाँ पे। बट ये एक बहुत बुरी सिचुएशन है जहां पे फिनाटिक फंसी है, एश चला गया वहां पे वाटर टाउन, रौनक वहां पे रिवर्स गियर में अपनी यूएस लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा डैमेज पड़ा था बट स्क्वाड हाउस भी, तो फिर ये चेक पे जाके एटलीस्ट उनको कवर मिलेगा। ओवेस एंड स्काउट को उनको गंवाना पड़ा अपने अर्ली स्टेजेस में, 16 टीम अभी भी जिंदा है बट सेवन सीज कर मारा था। मैक्स आज हमारे पास कारल से एक अच्छा नॉक दिया यहाँ पर और ये गॉडल के मुश्किल हो जाएगा। पान सिंह ने नेट से एश गेमर को नॉकआउट कर दिया, कैरी ओपी ने यहाँ पे कैरी डीसी को करा यहाँ पर गॉडल के कैरी को, और यहाँ पर 15th पोजीशन में टीम टैमिलाज नॉकआउट हो चुकी है। यहाँ पे गॉडल का जो कैरी का नेट था इट वॉज सो प्रिसाइज, वो नेट पूरी टीम टैमिलाज को यहाँ पे ले डूबा है। सो भाई यहाँ पे अच्छी खासी किल्स होगी होंगी, बट यहाँ पे एश का मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कि एक कावर्ड डिसीजन था, एक वाइज डिसीजन था, बिकॉज उन्होंने वहां पे ओवेस और स्काउट को छोड़ दिया। मे बी दे कुड हैव जस्ट गो अहेड, लाइक चांसेस कम थे, बट या लेट्स सी अगर इस गेम में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते देन ये फिर वाइज डिसीजन हो सकता है। रॉक्स को नॉक करा एंड फिनिश भी करेंगे बिकॉज पानी में थे वहां पे, और इंटेंस के टेम्पेस्ट भी यहां पे खत्म होते, तो इनसेड का स्क्वाड भी यहाँ पे खत्म, पूरा ही पूरा टेम्पेस्ट गॉट एलिमिनेटेड एट लास्ट। एंड 10 पॉइंट उन्होंने निकाले, गॉड लाइक भी एलिमिनेट हो चुकी है 6 प्लेस पे, 14 पॉइंट्स उन्होंने इन टोटल निकाले। मावी के ऊपर सामने इन्होंने अपना क्रॉस एयर खोल के रखा है, जैसे ही ऊपर पीक करेंगे सूर्या वहाँ पे अपना 4x का स्प्रे कनेक्ट करने की कोशिश करें। बट यहाँ पे ऑरेंज रॉक के पास क्या बेहतरीन पोजीशन, मिनी मैप पे देखो मेगा स्टार्स के पास भले ही वो पोजीशन है वो सर्कल है, दो प्लेयर जिंदा है, बट इनके पास एक स्क्वाड हाउस है जहाँ पे एग्जैक्ट कवर है, बाकी सारी टीम्स को इनके पास आना है। एग्जैक्टली मैं इसमें सोच रहा हूँ कि ऑरेंज रॉक वाले बोल के आ रहे होंगे, जिस कंपाउंड में बैठे वहीं बैक टू बैक यहाँ पे सर्कल कटा जा रहा है, उन्होंने ज्यादा रोटेशन करने की यहाँ पे इनकी खिदमत ही नहीं करी यहाँ पे। और पे दलजीत ने AWM का करारा शॉट लगाया पान सिंह पे और वहाँ पे कन्वर्ट भी करना चाहते थे, उनके पास यहाँ पे 3x लगा के उन्होंने असॉल्ट राइफल कन्वर्ट करी। मवी ने यहाँ पे पान सिंह की किल कन्फर्म कर ली और ये मार्कोस गेमिंग के लिए काफी बड़ा सेटबैक रह सकता है, बिकॉज मार्कोस गेमिंग को ये चिकन देना चाहिए और अच्छी पोजीशन भी चाहिए, बिकॉज ऑरेंज रॉक नो डाउट 85 पॉइंट ऑलरेडी वहीं पे। स्वैग ने यहाँ पर सूर्या को नॉकआउट कर दिया एंड सूर्या की किल कन्फर्म करी बैक टू बैक, दो अलग अलग टीम ने यहाँ पर अटैक करा है सीधा मार्कोस गेमिंग को। अब बचे द डूड और मैक्स काश, भाई वैम्पायर ने VHG क्रॉल के जो HB थे वो बिल्कुल क्रॉल करते हुए पानी से बाहर आए और उनको भी यहाँ से उड़ा दिया। सेल्स एमजे को यहाँ पे डोमिनेशन मिल चुका है यहाँ पर वैम्पायर में, कल से ये हुआ है कि वैम्पायर ने नॉक किया किल कोई और खा गया, वहीं एंटो ने VHG क्रॉलर के CG को नॉकआउट किया। क्रॉलर्स नॉकआउट होती है 5th पोजीशन पे और एक अंक के साथ, फिर भी 8 पॉइंट डिसेंट होते हैं, बट वहां पर टीम इनसेन कुड हैव डन बेटर वहां पर जो उन्होंने गलती करी गॉडल के अगेंस्ट, बट फाइनल सिचुएशन आ चुकी है 4 टीम्स एंड 9 प्लेयर्स, दो टीम्स है जिनके दो दो प्लेयर जिंदा है और एक टीम है जिसका एक प्लेयर जिंदा है वो है सेल्स, और एक टीम है जो बिल्कुल ब्रांड न्यू बैठी हुई है, जैसे अभी अभी प्लेन से उतरी हो और ड्रॉप लूट करके बस होल्ड कर रही है। ये टीम की आप जोन प्रोटेक्शन की बात करें, एक स्मार्ट आइजल की बात करें, मैं तो कहूंगा मवी ने और इस पूरे 5-6 महीने के अंदर जिस तरीके की ग्रोथ दिखाई है मेरे हिसाब से किसी और आइजल ने अभी तक आज तक दिखाई है, बिकॉज इस प्लेयर ने बीइंग एन आइजल परफॉर्मर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के अंदर भी एक्सेल किया है। एंड मैं तो कंग्रेचुलेट कहता हूँ टीम ओआर को कि भाई जो उन्होंने प्लेयर रखा है अपनी टीम में वो उनकी टीम की इज्जत को आसमान तक ले जा रहा है बिल्कुल, और ऊपर से इस प्लेयर की हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग से जोन प्रेडिक्शन अपनी टीम को एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर देता है, कितनी देर से ये लोग इस वाले स्क्वाड हाउस में होल्ड करके रखे थे एंड अभी जोन इनके ऊपर बना हुआ है, पोजीशन इनके पास चारों प्लेयर जिंदा रखे हुए हैं अपने, एंड इससे ज्यादा कोई अपने आइजल से और क्या मांग सकता है, बाकी सारे प्लेयर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा एंड दे ऑल्सो डिड द सेम। मेरे ख्याल से परफेक्ट मैच सेट एंड गो ये वाला हुआ है ऑरेंज रॉक के लिए, जहाँ पे 7 किल्स ये लोग निकाल चुके हैं, अभी भी काउंट कर लेना बिकॉज 12 से पहले ये लोग रुकने नहीं वाले बिकॉज सारे प्लेयर्स इनके पास भागते होंगे। सामने मार्कोस के प्लेयर सामने स्पॉट हो रखे, एक ग्रेनेड वहाँ पे पूरा खत्म कर सकता था मार्कोस गेमिंग को, बट अनफॉर्चुनेटली इनके पास कोई थ्रोएबल्स है कि नहीं, दैट इज अ डाउट। बट मैक्स कश अभी भी उसी वाले कंपाउंड में बैठे हुए हैं, ग्रेनेड वहाँ पे काम तमाम कर सकता है उनका। दलजीत के पास यहाँ पे माइक्रोजी है और एक यहाँ पे ऑम तो है इनके पास ही, ऑम तो नहीं फेंकेंगे मरते दम तक, बट सामने सेल्स के MJ वो तो वेट करेंगे पूरे आखिरी टाइम तक जब तक ब्लू जोन नहीं आ जाएगा। ब्लू जोन अब मूव करता हुआ नजर आएगा आपकी स्क्रीन में बिकॉज वहाँ पे मैप के नीचे 0.00 हो चुका है, 8वां फेज क्लोज। एक बार प्लेयर दोनों स्पॉट हो जाए कि हाँ एक ही कंपाउंड में तो दोनों जगह जा सकते हैं, बट यहाँ पे एक स्मोक बॉल बनाया है कि ओके फ्लैश करा था वहां पे, बट द डूड अपने आप को बूस्ट कर रहे हैं, फुल बूस्ट कर रहे हैं जस्ट इन केस के क्लोज एनकाउंटर में अगर कहीं एक प्लेयर को नॉक करें तो बाद में उनकी एग्रेशन चालू हो चुका है। बट यहाँ पे एक प्लेयर चढ़ चुका है गैराज हाउस के ऊपर वैम्पायर, यहाँ पे अगर जंप एंड फायर करेगा तो एक प्लेयर को इजीली वो नॉकडाउन कर सकता है। मैक्स कश कुछ ही देर में आप लोगों को दिखेंगे डैमेज करते हुए, बट यही
एक फाइनल सर्कल है जहां पे, बट यहाँ पे मावी नॉक डाउन हो चुके हैं, दो प्लेयर नॉक डाउन है यहाँ पे, और मार्कोस गेमिंग का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ फाइनल चिकन डिनर यहाँ पे निकालते हुए ऑरेंज रॉक एंड मार्कोस गेमिंग आखिरी में, और ज्यादा कुछ